असं दोस्तों शादू फकीर दरबार दे उत्ते पहुँच गए से। ये सामने दरबार का मंजर है सी, तो एक कब्रिस्तान है उनका लाल रख है, उन दरबार मौजूद है। ये सी दरबार का नलका है, ये दरबार का लंगर खाना है जी। जिहड़ा बंदा भी आवे आ करांगे, इतना सारिया चीज़ा मौजूद हैं। हुण तुहाडे दरबार दा मैं लंगर खाने का विजिट करावां ना, कि इह सामने एक कमरा बनाया ने जी, इह कमरे का लाक लगा हुआ हुंदा है। जिहड़ा भी संगती आवे आके चाबी गिने और देखो कि सारे बर्तन मौजूद हैं। आओ अपने बर्तन चाहो, देग पकाउणी है देग पकाओ, टब बर्तन हर चीज़ इत्थे मौजूद है। कश घरों गिन के आने की जरूरत कह नहीं, सिर्फ पकावण का समान तुसां घरों गिन के आवना है, बाकी कह शहर की जरूरत कोई नहीं पौंदी। हर चीज़ इत्थे मौजूद है, टोया खट्टण वास्ते बेलचा भी मौजूद है, तो दरिया भी मौजूद हैं, तो टब तलू मौजूद हैं। उन्दे कन्ने बाद साईं नाल ही इन्होंने बरामदा दिता है, तो इं वेले सारे सारे दोस्त सैल्फ कुकिंग जिहड़े करेंदे बैठे, तो ये दोस्त सारे हुण ये चूल्हा बना के देख चाह उत्ते रखी पैन, तो बड़ा असा इंजॉय करेंदे पए हैं इन सारे माहौल को। तो इंशाअल्लाह मजीद दोस्त भी पिछू आते पैन, सारे दोस्त कट्ठे थी के असं अज इतना कुकिंग करे सूँ, तो गैट टूगैदर करके तो इंशाअल्लाह वाला ये हाल अहवाल भी असं को दूँ चा। यार थल दी रीत का मेरे को बहुत मजा आए कि एक अल्लाह का फकीर है, एक अल्लाह का दरबार है, तो उन दरबार वाले संगे इन लोगों ने क्या काविश की है, जिहड़ी कि साडे शहरां दे विच वी दरबारां दे उत्ते मौजूद को नहीं। उन्हां ने बाकायदा एक लंगर खाना बनाए, लंगर खाना बना के ताकि हर आवण वाले मेहमान को बेहतरीन साफ सुथरा माहौल मिले, दरिया मिले, हर शय मिले। बहुत मज़ा आया, उन्होंने उत्ते नंबर भी लिख दिते। अगर खुदा ना खास्ता कोई दोस्त इहो जिहा हुंदा है जिहड़ा अणवाकिफ हुंदा है, तो इन्हां नंबरां ते कॉल करके चाबी मंगवा सकदा लंगर खाने की, आके अपना लंगर खाना खोले, अपना खाना पकावे, बालण की कोई परेशानी का नहीं। इतना ज़ायरीन आते वेंदे रहे वेंदन, सारे कोल पहले भी एक सत इतना सुखाई वधी आई, तो उन्होंने भी हुणे खाना पकाया बाहर कैफ सब मूँह इंजॉय किया दरबार को और इस टूअर को। और इंशाअल्लाह तुसा भी सारे महसूस थी सो, इतना नाल कब्रिस्तान भी है जिते मुख्तलिफ लोगों ने कब्रा हैं पियाँ, तो नलके इन्होंने डू ला खड़ा भी खुदा न खास्ता ही खराब थी वे तो दूजा नलका भी कम दे सके। यार तुसा व्यू चेक करो कि थल दी शाम दा व्यू कितना ज़बरदस्त है और क्या सुन हप्पे थल दा। ये बिल्कुल शाम दा हिला है सही, मगरब थी चुकी है, असा हुण अपना खाना पकाना शुरू कर दिता है। हुणे दोस्त सारे आसन ते असा रल मिल के इको खासूँ इंजॉय करे सूँ, ते वात असा अपनी वापसी दा रस्ता गिनसूँ, वापस असा अपने अपने घरां को सारे दोस्त अहबाब सारे वात असा अपने घरां तों लगे वैसूँ। बार कैफ तलाला दी काविश उत्ते मैं दाद रहे सा कि जिन्होंने शादू फकीर के दरबार को ई तरीके नाल सजाया है कि थल लगता ही नहीं, इवें नहीं लगता है कि असं शहर के बदे हैं, शहर के भी शायद योजना रौनक ना होवन जड़ियाँ इतना रौनक ही नहीं टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।